प्रोटो नॉलेज में आपका खुश आमदीद, खैर मकदम, स्वागत हम, वेलकम। आज हम फिर हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ, जो कि हुंडई की वॉशिंग मशीन है, 8.5 केजी की है। आइए जानते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये स्पिनर इसका काम नहीं कर रहा, जो ड्रायर है इसका, तो आज हम जानेंगे इसके बारे में और बताएंगे आपको, पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। मुकम्मल वीडियो आप देखिएगा, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए आइए वॉश की मोटर हम चला करके देखते हैं। देखिए अभी हमारा ये नॉर्मल पे है, ठीक है, इसको हम हेवी भी कर देते हैं। देखिए विदाउट रुके हुए ये चल रहा है, ठीक है, जो कि आपका हेवी पे विदाउट रुके हुए चलता है। नॉर्मल पे आपका 2 से 3 सेकंड का टाइम लेता है और जेंटल पे आपका 3 सेकंड का टाइम ले रहा है जेंटल पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ओके है, इसको हम बंद करते हैं और स्पिनर देखते हैं चला करके। चलिए आइए इसे बंद करते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसका जो स्क्रू है व्हील का, वो निकला हुआ है, ठीक है, और इसका सील भी हमें चेक करना होगा। सील में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं, एक बोल्ट तो निकला हुआ, दूसरा भी देखना होगा हमें। आप देख पा रहे हैं एक स्क्रू लगा हुआ है, एक निकला हुआ है, ठीक है। तो इसे हम लगाएंगे और फिर हम इसको टाइट करके फिर चला करके हम देखेंगे, ठीक है। तो हमें इसकी सील भी चेक करनी होगी। देखिए इसकी सील, जिसका सील है वो ख़राब हो चुका है, सील भी हमें रिप्लेस करना होगा। तो हमें ड्रम खोलना होगा, बाहर निकालना होगा। चलिए आइए पहले ड्रम बाहर निकाल के इसका सील चेक करते हैं, ठीक है। हमें भी ये 2 स्क्रू है इस तरफ, वो भी खोलना होगा। तो ये जंग खाया हुआ है, ख़राब हो चुका है ये। तो हमें अब क्या करना होगा, इसको इस वाले हिस्से को पेचकस की मदद से इसको काट करके और हमें बॉडी बाहर निकालनी होगी। ड्रम की कंडीशन ऐसे ठीक लग रही है। क्योंकि और कोई रास्ता होता नहीं है इसके अलावा, इसलिए इसका जगह हमें चाहिए इसको निकालने के लिए, बॉडी को निकालने के लिए। तो फाइनली सारे स्क्रूज ओपन हो चुके हैं इसके। अब हमें ये डम्बल का जो चेकनट है, इसे हमें ओपन करना होगा, तभी ये बॉडी बाहर निकल के आ जाएगी। तो हम इसे कैसे खोलेंगे, ये यहाँ से ऐसे फंसा करके और इसको घुमाएँगे। देखिए कितना ज़ोर का उछलता है ये डम्बल। हमें बाहर निकालना होगा और चेक करना होगा कि इसमें कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है। तो इसमें कोई डस्ट नहीं है, ठीक है, फाइनली ये ठीक है। और डम्बल भी हमें चेक करना होगा, इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसकी बॉडी निकालते हैं बाहर। देखिए उससे पहले हमें ये भी निकालना होगा, जो ब्रेक वायर है ये भी हमें बाहर निकालना होगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये
स्पिन लिड हम ऊपर उठाएंगे, उसके बाद इसको लूज़ करेंगे, फिर निकल जाएगा ये। तो ये हमने उठा लिया, ये लूज़ हो गया, ठीक है, अब ये निकल जाएगा। देखिए निकल गया ये, ठीक है, अब हम इसका कवर ऊपर निकाल लेंगे बाहर। ये कट से जो आवाज़ आई यहाँ पे ये लॉक होता है, ठीक है, ये सारे इसमें लॉक होता है, ठीक है, ये निकल गया ये बाहर। इसको छोड़ देंगे हम नीचे और देख पा रहे हैं इसमें भी स्क्रीव है यहाँ, ठीक है, और यहाँ भी स्क्रीव है, ये दोनों भी ओपन करना होगा हमें, तभी बॉडी बाहर इसकी निकल जाएगी। ये भी गलत है, इसमें भी जंग लगा हुआ है, इसे भी हमें स्पेस स्पेस भी खाली करना होगा, तब जाकर के ये निकलेगा, काफ़ी जंग आया हुआ है जो स्क्रूज है इसका। हो गया, तो फाइनली ये बाहर निकल के आ चुका है, ठीक है, अब हम इसका कवर खोलेंगे और कवर खोलने के बाद इसको बाहर निकाल देंगे, इसकी बॉडी को। एक इसकी डीखला खुला हुआ है इसका, वो भी खुलना होगा। ये हमारा स्क्रूज नहीं निकल रहा था, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम आरी की ब्लेड से काट करके और इसका स्पेस बनाएंगे, ठीक है, और स्पेस बना करके फिर इसको हम खोलेंगे और फिर हमारी बॉडी ये बाहर निकल आ जाएगी। चलिए, पॉइंट वो बन चुके हैं, ठीक है, और अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको ओपन करना होगा स्क्रू ड्राइवर के माइनस वाले हिस्से से। देखिए ये खुल चुका है, बाहर आ चुका, ठीक है, अब इस स्क्रू को हम दोबारा यहाँ भी यूज़ नहीं करेंगे, कोई सही सा स्क्रू हम यूज़ करेंगे कि इसमें जंग लगा हुआ, ठीक है, आइए इसकी बॉडी खोलते हैं। इसलिए बॉडी बाहर निकल के आ चुकी है हमारी, ठीक है, अब देखिए ये हमारा ड्रम है, ये बाहर निकल के आ चुका, जो कि आप देख पा रहे हैं ये सील भी इसकी फटी हुई है, सील ख़राब हो चुकी है, ड्रम इसका सही कंडीशन में है अभी, सील की सिचुएशन देखिए, नीचे देखिए, देखिए काफ़ी ज़्यादा फटा हुआ है, ये सील भी हमें रिप्लेस करनी होगी इसकी। आइए पहले सील ओपन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ये देखिए ये इसका जो ब्रेक व्हील है ये भी डैमेज हो चुका है, तो मुमकिन है हमें ये ब्रेक व्हील भी चेंज करना पड़ सकता है। पहले हम इसमें गुल्ली लगा के चेक करेंगे, ठीक है, अगर गुल्ली से सक्सेस नहीं हो पाया इसके तो क्या करेंगे, हम इस ब्रेक व्हील को भी हम रिप्लेस कर देंगे। तो हम इसमें लगा रहे हैं न्यू स्क्रू, देखिए जो कि निकला हुआ था ये तो लग चुका, मगर अब हमें क्या करना होगा, इसमें गुली लगा करके हमें उसकी शाफ्ट में मोटर की लगाना होगा, ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें गुली लगा करके उसकी शाफ्ट में लगाएंगे, उसके बाद इसके हम सील चेंज करेंगे, ठीक है, जो कि ये सील है आपकी। देखिए ये इसका डायग्राम है, ठीक है, अब हम इसकी सील खोलेंगे, तो देखिए ये चेक नट वाली सील है इसकी, ठीक है, इस चेक नट को हमें ओपन करना होगा, खोलना होगा, उसके बाद जो इसकी सील है वो बाहर निकल के आ जाएगी। उससे पहले हमें ये ब्रेक वायर हमें बाहर निकालना होगा, साइड में करना होगा, उसके बाद इसे हम खोलेंगे, ठीक है, तो चलिए आइए इसका हम सील खोलते हैं पहले। देखिए देखना होता है कि लूज़ हो रहा है या टाइट हो रहा है, की चोट उल्टी होती है तो पहले हमने टाइप करके देखा, ठीक है, ताकि अपनी जगह छोड़ दे, उसका इसको हम लूज़ करेंगे, इजीली लूज़ हो गया है, देखिए
देखिए अब इसे हम हाथ की मदद से खोल सकते हैं। देखिए खुल चुका है, ये हमारा सील भी निकल चुका है। ठीक है, इसमें बॉन्ड लगा हुआ है थोड़ा सा, इसलिए ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है ये चैगनेट हमारा बाहर निकल के आ चुका है। ठीक है, फाइनली हमारा सील ओपन हो चुका है, हमारा सील बाहर निकल के आ चुका है। और अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा, देखिए इसमें ना ये बॉन्ड लगा हुआ है सारा, इसको हमें साफ़ करना होगा, क्योंकि इसमें हमें दोबारा बॉन्ड लगा करके और सील इसमें प्लेस करनी होगी। ठीक है, देखिए ये बॉन्ड निकल के बाहर आ गया, तो हम सील लगाएंगे। उसका प्रोसेस क्या है वो देखिए, अब ये चेंज करते हैं इसका सील। तो फाइनली ये रही इसकी गिल्ली। ठीक है, इसमें हम लगाएंगे इसके ब्रेक व्हील में। देखिए ये इजीली लग गया वन टाइम में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे मोटर की शाफ्ट में। ठीक है, तो आइए मोटर की शाफ्ट में लगा के इसको हम टाइट कर लेते हैं। पहले हमें व्हील की जगह जो ब्रेक व्हील है इसकी जगह हमें पहले लगाना होगा, ये पुल्ली की जगह पे पहले हमें सील लगाना होगा, उसके बाद लगाएंगे हम उसका पुल्ली। ठीक है, क्योंकि इजीली लगेगा पहले, वरना वो पहले लगा देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसमें हमें फेवी बॉन्ड लगाना होगा, फेवी बॉन्ड लगा करके इसको हम टाइट कर देंगे। ठीक है, तो हमने सील में लगा लिया है फेवी बॉन्ड, जब ये सील रहेगी। ठीक है, तो हम इस एरिया में लगा देंगे पूरा बॉन्ड। ठीक है, तो हमने पूरा बॉन्ड लगा दिया इसमें अच्छे से। अब इस सील को हम लग करके यहाँ पे और टाइट कर देंगे नीचे से। ठीक है, बॉन्ड लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जब हम इसमें बॉन्ड लगाते हैं सील में, तो क्या होता है, इसमें जो पानी का मामला होता है निकलने का, लीकेज का, तो वो ख़त्म हो जाता है, वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम पहले सील लगा लेते हैं। तो इसको हम ऐसे रखेंगे यहाँ पे, और नीचे से हम इसका चैकनट टाइट कर देंगे। ठीक है, ये रहा चैकनट, इसको हम नीचे से टाइट कर देंगे। ये उल्टी चूड़ी का होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो एक हाथ ऊपर से ऐसे पकड़ के रखना होगा और इस चैकनट को नीचे से टाइट करना होगा। ऊपर से हमने पकड़ लिया, अब हम नीचे से चैकनट लगा, आपको इधर आना होगा, इस तरफ आना होगा आपको। तो हम इसका चैकनट टाइट कर देंगे। थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा इसको। देखिए चैकनट उल्टी चूड़ी का होता है, मैंने पहले बताया था आपको, इसको टाइट कर देंगे अच्छे से। इस पर थोड़ा सा पेचकस भी मारना होगा हमें। ठीक है, ताकि सही से टाइट हो सके, कर चुका है। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसका ये पुल्ली। ठीक है, जो ब्रेक व्हील है इसे लगा करके उसके बाद इसका हम ड्रम सेट कर देंगे। तो इसका ये वाला नीचे वाला बोल्ट होता है, इसको शाफ्ट का जो कट वाला पॉइंट होता है, वाला पॉइंट होता है शाफ्ट का। ठीक है, उसको इसके सामने रखना होता है ताकि इसका बोल्ट सही जगह पे हो सके, ताकि इसको पकड़, जो इसका बोल्ट होता है वो उसके शाफ्ट को सही पकड़ बना सके। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसका ब्रेक व्हील लगाते हैं। तो इसे हम नीचे पुश करेंगे इस तरह से, तो ये नीचे पुश हो चुका है अपनी जगह पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका ये वाला नट जो है ये हम टाइट कर देंगे। ठीक है, देखिए अब जाकर के ये लग चुका है अपनी जगह, प्लेस हो चुका है। ठीक है, अब हम 8 नंबर की गोटी की मदद से इसको हम टाइट कर देंगे।
तो फाइनली हमने इसे टाइट कर दिया अच्छे से, जो इसका बोल्ट है। ठीक है, एक बार और तसल्ली कर लेते हैं हम इसको। तो फाइनली टाइट हो चुका है। चलिए आइए अब हम ड्रम लगा करके इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमें ड्रम लगाने से पहले ये सील को देखना होगा हिला करके। ठीक है, ये मजबूत है या नहीं, देखिए बिल्कुल पकड़ मजबूत हो चुकी है इसकी। ठीक है, इसमें देखिए ये डस्ट वगैरह है। अब हम इसका ड्रम अपनी जगह प्लेस करते हैं। थोड़ा ड्रम लगाने में परेशानी होती है, देख सकते हैं। अब लगाएंगे इसका ड्रम। तो सील के अंदर ड्रम का शाफ्ट जा चुका है। अब हम इसको नीचे जो इसका ब्रेक व्हील है उसमें हम इसके शाफ्ट को डालेंगे और इसका बोल्ट टाइट कर देंगे। चलिए आइए नीचे चलते हैं। जो शाफ्ट कट वाला पॉइंट है इसको हम बोल्ट के उनके सामने देंगे ताकि इसका पकड़ जो है सही से मजबूत हो सके। ड्रम बिल्कुल अपनी जगह पे सही जगह प्लेस हो चुका है। अब इसको हम टाइट करते थे। ठीक है, तो फाइनली हमने इसको अच्छे से मजबूती से हमने टाइट कर दिया है। ठीक है, देखिए हमारा ड्रम लग चुका है। ठीक है, अब जो खींच रहे हैं इस ड्रम को तो ब्रेक व्हील के साथ ही ऊपर नीचे हो रहा है हल्का सा, क्योंकि प्ले होता है मोटर में, तो बिल्कुल ठीक है, ओके है। ठीक है, हम इसको जो इसका ब्रेक वायर है इसको हम ऐसे खींच करके और देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल ओके हो चुका। तो फाइनली ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सील और ब्रेक व्हील जो है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी बॉडी ऊपर की बंद करेंगे और फिर हम चला करके चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए बंद करते हैं। हिस्सा होता है ये जो होता है ये किस चीज़ के लिए होता है ये अब आपको बताएं। जब हम पानी इसमें इनलेट करते हैं, पानी डालते हैं इसमें, इनपुट करते हैं, तो ये अगर वॉश में डालने का होता है, जैसे कि अगर आपको इसमें पानी डालना है वॉश वाले साइड में एरिया में, तो आपको क्या करना होगा, इसको इस तरफ रखना होगा। ठीक है, ताकि आप पानी डालेंगे टोटी से तो यहाँ पर जो इनपुट वाला पाइप होता है उससे इस तरफ अगर हम करते हैं इसको, तो इससे इसमें पानी जाता है वॉश वाले में, और अगर इसको और अगर हम इसको इस तरफ कर देते हैं तो स्पिन वाले में पानी जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें देखनी होती है, ये इसीलिए होता है। ठीक है, अगर इस तरफ रखेंगे तो वॉश वाले में पानी जाएगा, और इस वाले अगर इसको इस तरफ कर देते हैं, ठीक है, तो स्पिन वाले में जो है, जो स्पिन वाला एरिया है इसमें आपका पानी जाएगा। ठीक है, ये इसीलिए होता है। फाइनली हमने सारे इसके व्हील्स के टाइट कर दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका बैक कवर लगाएंगे और पीछे का डंपर लगाएंगे, और इसका जो ब्रेक वायर है वो हम लगा कर दिए, इसको कंप्लीट करके। और तो हम सबसे पहले इसका डंपर लगा करके इसको कंप्लीट करेंगे, टाइट करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से टाइट करना होता है, जो इसका चेक नट होता है, ताकि लूज होने से इसमें पानी लीकेज का चांसेस भी हो सकता है, इसलिए इसको सही तरीके से टाइट करना होता है। ठीक है, तो हमने इसको टाइट कर दिया है, लिमिटेड टाइट करना होता है, नहीं तो इसकी चूरी स्लीव हो सकती है। ठीक है, इसका इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा, इसको लिमिटेड टाइट करना होता है, नहीं तो इसकी चूरी स्लिप हो सकती है, जो इसका चेक नट है। तो फाइनली हमने इसको सही से टाइट कर दिया है। अब लगाएंगे इसका ब्रेक वायर, ये है इसका ब्रेक वायर, इसको अपनी जगह पे प्लेस करेंगे, यहाँ पे इसको अपनी जगह पे हम प्लेस करेंगे, ये प्लेस कर दिया, और जो इसका स्पिन लीड है वो हम उठाएँगे धीरे से। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसका जो बेल्ट है वो हम इसमें लगा देंगे, इसके ब्रेक वायर में। ठीक है, तो फाइनली ये लग चुका है, और इसमें इसको हम फिर डाउन करेंगे नीचे की ओर। तो जब हम नीचे की ओर इसको डाउन करेंगे तो इसका जो नीचे का वायर है मोटर का, ठीक है, जो ब्रेक है इसका, वो ब्रेक खींच जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा। ठीक है, ब्रेक अपनी तरफ आ जाता है, ब्रेक हट जाता है मतलब। चलिए आइए अभी हम इसको पहले चला करके चेक करते हैं, फिर इसका बैक कवर हम बंद करेंगे। स्विच ऑन कर रहे हैं और प्लग लगा दिया हमने, इसमें बोर्ड में शूट कर दिया है, वॉश को चलाया, देखिए
ये चल रहा है हमारा, ठीक है। इसको हम हेवी पे कर देते हैं, ठीक है। ये नॉन स्टॉप चलता है, ये जब हेवी पे करते हैं इसको तो फाइनली ये चल रहा है हमारा, ठीक है। इसको हम ऑफ कर देते हैं और अब हम स्पिनर चलाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये चल क्यों रहा। तो इसे हम पहले बंद कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर ये चल क्यों रहा। तो हमने क्या करा है, जो इसका ये पॉइंट बना हुआ है, इसको जब ऊपर था तो क्या होता कि ये इसका जो ब्रेक वायर है ये ब्रेक व्हील में जा कर के ये लग जाता है, ठीक है। मतलब ब्रेक वायर टाइट होने की वजह से क्या होता है कि ब्रेक व्हील जो है ये ब्रेक लग जाता है इसमें। तो इसको हमने थोड़ा सा लूज़ कर दिया है। लूज़ करने से ये होता है कि जो ब्रेक प्लेट है इसका, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस हो जाता है इसमें, जगह छोड़ देता है स्पिन लिड बंद करने के बाद, ठीक है। तो हमने अब इसको जगह प्लेस कर दिया इसी जगह पे, ठीक है। आइए हम इसको दोबारा से चला करके चेक करते हैं। फाइनली हमने वहाँ से स्विच ऑन करना है अब, और स्विच ऑन करने के बाद अब हम स्पिनर चलाएंगे, देखेंगे अभी चल रहे नहीं चल रहे। फाइनली हमारा स्पिनर चल चुका है, देखिए, देख सकते हैं, देखिए चल चुका है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आइए इसे बंद करते हैं, बिल्कुल ओके है, एकदम नए की तरह चल रहा है, नई कंडीशन में, ठीक है। थोड़ा सा इसकी फायर इसे बंद कर रहे हैं, जब स्पिन लिड हमने बंद किया तो इसमें ब्रेक लग गया नीचे से, ठीक है। फायर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक और प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आइए नीचे देखते हैं, जो वायर है ये इतनी सारी, इसमें हम टेप लगा देंगे, ठीक है, इसको मुकम्मल कर देंगे अच्छे से टेप लगा करके। और सेकेंड चीज़ ये, अगर ये सॉकेट के नीचे आ रही है, पता है क्या होता है, इसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये तार कट सकता है, तार कटने का ज़्यादा डर होता है इसमें। तार कटेगा तो क्या होगा, सॉकेट के अंदर जाएगा और इससे पूरी मशीन में करंट आने का खतरा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे टेप कर देंगे, ठीक है। आइए इसको टेप कर देते हैं, होता है इन छोटी छोटी बातों का आपको ख्याल रखना होता है, क्योंकि बहुत रिस्की काम है, ठीक है, रिस्क लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत हिफाजत से काम करना होता है। हाँ, एक मिनट। फाइनली हमने इसमें अच्छे से टेपिंग कर दिया है, ठीक है। और ये देखिए, ये जो सॉकर के पास ये वायर आ रही थी, इसको भी हमने ऊपर कर दिया, यहाँ टेपिंग कर दिया है अच्छे से, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये छोटी सी है, लेकिन प्रॉब्लम देखने में छोटी सी लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इससे। इसलिए इस प्रॉब्लम का शट आउट हैंड टू हैंड कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। फ्यूचर की हो, इसको चला करके दोबारा से चेक करेंगे जब हम इसका बैक कवर बंद कर लें। आइए अब हम इसका बैक कवर पहले बंद कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम दोबारा से इसको चला करके चेक करेंगे, ठीक है। और पानी डाल के भी हमें चेक करना होगा कि इसका जो डंप वाल है वो यहाँ से पानी लीक तो नहीं कर रहा, ठीक है, जो आउटलेट पाइप है। तो पानी डाल के हमें दो जग चेक करना होगा, ठीक है। और इसमें जो डस्ट वगैरह जमा हुआ होता है वो गर्म पानी से निकल जाता है यहाँ से, अगर आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालते हैं वॉश वाले एरिया में, तो गर्म करके, और इसमें थोड़ा सा डालना ज़रूरी होता है। आइए इसको पहले बंद कर लेते हैं। हाँ, खाली आपको तरी से ही तरीके से होगा, अब इसको क्या करो, देखो किस तरह से, हाँ, यहाँ हम ऐसे नीचे से यहाँ ऐसे पकड़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसको इजीली लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। और ये एरिया हम छोड़ देंगे और ऐसे पुश करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है, ये सारा लॉक हो चुका है। अब हम इसमें सारे में जहाँ जहाँ पे स्क्रू लगा हुआ था वहाँ पर स्क्रू टाइट कर देंगे। तो फाइनली हमारा ये बैक कवर बंद हो चुका है, ठीक है। आइए अभी हम इसमें क्या करेंगे, इसमें वॉश वाले एरिया में पानी डालेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे, ठीक है, दोबारा इसको चला कर चेक करेंगे कि इसमें करंट तो नहीं आ रहा, ठीक है। फाइनली अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं, ठीक है, और पानी डालने से पहले इसका जो पल्सेटर है वो हम चेक कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि लूज है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, देखिए, तो इसे भी हम टाइट कर देंगे जो इसका नट। तो सबसे पहले इसका ऊपर का ये खोलना होता है, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसका स्क्रू है देखिए ये लूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका ये वाला खोलना होता है, ऊपर वाला कवर, ये देखिए, तो ये स्क्रू लूज़ हो जाता है, इसी वजह से ये पल्सेटर ऊपर नीचे होता है और ये ख़राब होने का भी खदशा होता है, इसका जो गराड़ी वगैरह है वो कट जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा टाइट होना चाहिए, इस बात का हमेशा ख्याल रखना आपको। देखिए इसमें ब्रेस स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छे से इसको टाइट करना होता है, ठीक है, ये लूज़ था, इसको हमने अच्छे से टाइट करना है, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, ठीक है,
और उसके बाद इसके ऊपर का वो हम जो इसका ये वाला हिस्सा है ये हम लगा देंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा प्ले हो रहा था, ठीक है, क्योंकि ये स्क्रू इसका लूज़ हो गया था। जो स्क्रू लूज़ होता है तो प्ले हो जाता है, तो ये जो पल्सेटर है इसके ख़राब होने का ज़्यादा खदशा होता है, तो इस बात का हमेशा आपको ख्याल रखना है। तो हमेशा अच्छे से टाइट करके रखें ताकि इसका जो पल्सेटर है, जो इसका एम्पेलर है, वो लॉन्ग लाइफ रहे। ठीक है, तो फाइनली इसको हमने अच्छे से टाइट करना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसको हमने अच्छे से टाइट कर दिया है, ठीक है, ऊपर का ये वाला कवर, और इसको लॉक कर देंगे। देखिए लॉक हो चुका है, ठीक है, अब ठीक है, ओके है। अब हम डालेंगे इसमें पानी और इसका प्रेशर चेक करेंगे, और जो फिलहाल इसमें हम गर्म पानी डाल रहे हैं ताकि जो भी इसमें जो उसका ड्रेन असेंबली है उसमें अगर डस्ट वगैरह होगा तो बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे आप ये भाप निकल रहा है, गर्म पानी हमने इसमें डाला है। ठीक है, और अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कि पानी तो नहीं निकल रहा, अब चालू कीजिए। अब हम इसमें आधी बाल्टी पानी डाल के हम चेक करेंगे, ठीक है, चला करके इसमें करंट तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भी चेक करना ज़रूरी होता है, तो हमने पानी इसमें डाल दिया है। ठीक, तो हमें इसका स्विच ऑन करना है। ठीक है, ऑन कर दिया, और अब हम इसको चलाएंगे। देखिए अब हम चेक करेंगे, ठीक है, बिल्कुल करंट नहीं, ओके है, ठीक है, डन हो गया। तो हम इसको बंद करते हैं, ठीक है, और इसका जो पानी है वो हम निकाल देंगे। तो इसको हमने बंद कर दिया और इसका पानी हम निकाल देंगे। ठीक है, फाइनली हमारी मशीन कंप्लीट हो चुकी है, आगे देख लेते हैं। देखिए ये मोटर चल चुकी है, घूमता हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब हम स्पिनर बंद कर देते हैं, यहाँ दिखाइए आप। तो फाइनली हमारी मशीन कंप्लीट हो चुकी है, इस पर रखिए, हाँ बस एक, हाँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। प्रोटो नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।